कोविड महामारी दौरान पंजाब सरकार वालों रखे गए स्टाफ नूं मुड़ बहाल करन लई फरीदकोट तों कोविड 19 कर्मचारी रोजगार बचाओ कमेटी दे एक वफद वालों एक मंग पत्र पंजाब सरकार च कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका नूं दित्ता गया, जिस ते कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने भरोसा दवाया है कि 2 तों 3 दिन दे विच लिखती तौर ते इन्हां दे मसले दा हल कढ दित्ता जाएगा। आओ सुनदे हां की कहना है इस मौके ते डॉक्टर राजकुमार वेरका दा ते कमेटी दे नुमाइंदियां दा। जो कोरोना महामारी सी उस वक्त जो कोई भी लागे नहीं सी लगता, उदों साडा स्टाफ जिन्हां ने सेवा कीती है, जिन्हां ने काम कीता है, मैं तमाम अधिकारियों नूं कह दिता कि इन्हां नूं बिल्कुल नहीं कढ़ना अजे, और इन्हां नूं असीं दुबारा रखण की परमिशन देंगे। मैं चेक करा। मेरा नाम रघवीर सिंह है जी, फरीदकोट तो जी। ये सर असी आपका मंग पत्र देने आए हैं जी वेरका साहब नी, डॉक्टर वेरका साहब न जी। इन्हों असी यही कहा कि जो सा सेवावान बहाल किया जाए, 30 नौ जो सू क्या गया जी सेवावान बहाल किया जाए। इन्होंने सूँ आश्वासन दवाया कि तुहाड़ियां सेवावान बहाल की गई, तो साढ़े जोड़े वीसी सर वो यही चीज़ को नहीं मानते, कहते वर्बली नहीं मनिया जाऊगा, जिन पे नहीं दिती जाऊगी, काम तुसी कर सकते हो। और असी इन्हों यही कहा कि तुसी उन्होंने रिटर्न भेजो जल्द तो जल्द, तो साड़ियाँ सेवावान रेगूलर किया जाए। उस तरह ही साड़ियाँ यही मंगा कि साड़ी जी काली चिट्ठी कढ़ी है जी उन्होंने बहाल किया जाए सानू नौकरी से। वैसे वेरका साहब तो यही लगता कि सानू साड़ियाँ सेवावान बहाल किया जाऊगा, तो इन्होंने कहा भी कि मैं जाँच कर दाँगा, हम देखो अगे की बनता जी। हाँ जी असी इन्हों मंग पत्र बाय पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट किया, अज साडा पहली बार इन्हां नाल मुलाकात हुई है। अज असी मुख्यमंत्री साहब नूं भी दिता जी, वी चन्नी साहब नूं जी, उन्होंने भी कहा असीं तुहाडे बारे सोचते हैं, साढ़े उत्थे कुछ साथी मरिंडे बैठे आ, उन्होंने उत्थे मंग पत्र दिता चन्नी साहब नूं जी। मुश्किल यही है कि सानूं इह रिटन च नहीं दे रहे, जे सानूं रिटन च दिता जाए साडियां सेवावां बहाल हो जाणगियां, तां असीं छोटे छोटे परिवारां दे बच्चे आ, ते असीं आपदियां सेवावां इसे ते साडा टाइम पास चुल्हे इसे ते चलदे साडे जी। रेंट निकल जाता, 4-5 हज़ार उन्होंने खाण पीन का खर्चा हो जाता, चलो टाइम पास हो रहा है। पर हुण तां सर इन्होंने पे भी जिहड़ी रोक ली है, क्योंकि जो ड्यूटी ते बहाल करता सानू, इन्हां ड्यूटी तो फर्क करता, तो उन्ना चिर इन्हां नूं पे नहीं दित्ती जाऊगी जिन्ना चिर सानू बहाल नहीं करनगे, तो फिर पे भी नहीं मिल रही, पे नहीं मिल रही तो फिर साढ़े खर्चे भी है जिहड़े, घर दे कित्थों चलणगे, हुण घरदियां दा खर्चा तो साढ़े ते तुरदा सी, वह भी बंद हो चुक्या सर। सर गुजारा बहुत मुश्किल है, हुण कुड़ियां जिहड़ियां पी जी च रहिंदियां गुरुद्वारा साहिब चों लंगर खा के आउंदियां बेचारियां, तां कपड़े जिहड़े असीं जिहड़े घरां तों आउंदे आ डेली अप डाउन करदे आ, उह धो के लिआउंदे इहनां दे, असीं उत्थे लगातार धरने ते बैठे होए आ, 30 दिन हो चुके सन बैठे नूं फरीदकोट दे विच। सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ, ਇੰਡੀਆ।